खरीफ सीजन वाले अलवर के नए प्याज की आवक इन दिनों मंडियों में शुरू हो चुकी है। इस कारण मंडियों में प्याज के भाव कमजोर होना शुरू हो गए हैं। हालांकि बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। अगर देश भर की बात करें तो करीब 13% प्याज का उत्पादन कम हुआ है। सब्जी के थोक व्यापारियों के अनुसार 20 दिसंबर तक गुजरात, महाराष्ट्र, MP और राजस्थान में चौतरफा प्याज की आवक शुरू हो जाएगी। इसके बाद गोदामों में रखा पुराना प्याज भी बाजार में आ सकता है, जिससे प्याज के थोक दामों पर दबाव बढ़ेगा। उधर थोक फल सब्जी व्यापार मंडल श्री गंगानगर के जनरल सेक्रेटरी की माने तो मंडी में अलवर के नए प्याज की आवक शुरू हो चुकी है। इन दिनों थोक भाव क्वालिटी के अनुसार 14 से 23 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। अलवर से आने वाला नया प्याज गीला होने के कारण बोली पर 15 रुपए प्रति किलो के आसपास देखने को मिल रहा है। इस प्याज की आवक कम होने के साथ ही सीकर का नया प्याज भी आना शुरू हो जाएगा। व्यापारियों के अनुसार स्टॉक के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और MP का प्याज बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये 4 से 5 पत्ती का होता है। स्टॉक में लंबे समय तक रखा जा सकता है। अलवर और सीकर का प्याज एक पत्ती होने के कारण इसका स्टॉक करने पर खराब होने की आशंका ज्यादा रहती है। राज्य में बाहर से आने वाले प्याज पर करीब 4 रुपए प्रति किलो की दर से परिवहन और अन्य खर्चा हो जाने पर यह महंगा पड़ता है, इसीलिए इसकी डिमांड यहाँ कम रहती है। व्यापारियों का कहना है कि सीकर के प्याज में पानी ज्यादा होने से ये मीठा होता है और अलवर के प्याज में पानी कम होने से ये तीखा होता है। फिलहाल मंडियों के अंदर अलवर के प्याज की आवक शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।